बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। शपथ ग्रहण को लेकर राष्ट्रपति भवन को दी गई जानकारी। शिव भक्तों को सीएम योगी ने दी राहत। कांवड़ यात्रा को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। डिफेंस कॉरिडोर में 19 कंपनियों को मिली 55 हेक्टेयर जमीन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में दूसरी लहर अभी भी है जारी। हिल स्टेशनों में उड़ रही कोरोना नियमों की धज्जियां। बीजेपी नेता ने जिस महापंचायत में दिया था भड़काऊ भाषण, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत परशुराम तालाब मोहल्ले का है पूरा मामला, जहां कुछ अंधविश्वासियों ने जमीन में गड़े हुए धन के लोभ में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। जानकारी के बाद पता चला कि चमरौड़ी निवासी चुन्ना वर्मा की 10 दिन पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसकी 5 वर्षीय बच्ची आरती कल दोपहर 2 बजे घर के बाहर से गायब हो गई थी। बच्ची की मां माया ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। इस पर बच्ची की मां ने मामले की जानकारी संबंधित चौकी और थाने को सूचना दी। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के घरों में बच्ची की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान पड़ोस के रहने वाले मूलचंद के बेटे ने पुलिस को बताया कि उनकी माँ रानी व उनकी बहन ने मिलकर आरती की हत्या कर दी है। बच्चे ने बताया कि दोनों ने आरती का गला चाकू से काट कर फेंक दिया है। बच्चे की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक बच्ची आरती का शव नाली में बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात ही पुलिस के द्वारा हत्या आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि घर में छिपे धन को पाने की अंधविश्वास के चलते हम लोगों ने आरती की हत्या कर दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ। घर से कौन लोग हैं ले गए थे ये? रानी की बिटिया। फिर क्या हुआ? या बड़ी अम्मा के घर में ख्याल था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? घर में घुसे पता नी मोरे घर में है। तो कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको? मैं पता न चला। मैं सगले ढूंढत रहा बिटिया मो न मिली। भीतर घुसे रे कोई नहीं रहा बिटिया मो। बच्ची घर में अरे हम लोगों ने ठंडा वंडा खिलाया है। खिलाने के बाद में उनकी उनकी बिटिया को अपने घर लगा गई। हम दूसरे काम में फिर चले गए। फिर चले गए करने के बाद में ये बच्ची दोबारा नहीं मिली। तो कौन लोग हैं और क्यों हत्या की? और ये तांत्रिक वाला ये सोना चांदी वाला माइटर वाला है, उसके कारण मेरी भतीजी को हत्या की। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी भतीजी को घर ले जाकर के हत्या की है? इसमें से रानी है, रानी की भतीजा है, मूलचंद। ये पड़ोस के हैं? हाँ पड़ोस के हैं। उनकी औरत साथ में और बिटिया साथ में, उनकी लड़का साथ में। तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? जिनको 4 आदमी गिरफ्तार हैं, 2 आदमी अभी नहीं। कल 5 जुलाई को थाना कोतवाली नगर के चमरौड़ी मोहल्ले जो कालूकुआ चौकी क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक 5 वर्षीय लड़की जो है वो अपने घर से गायब हो गई थी। उसके परिजन जो है थाने को सूचना दिए। उस सूचना के आधार पर 363 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत करके उसकी तलाश की गई और देर रात्रि में काफ़ी पुलिस बल के सहयोग से जो है काफ़ी दबाव बनाया गया आसपास के घरों में और जो उसमें दुख थे उन्होंने जो है उसकी डेड बॉडी को जो है अपने घर के पास में बाहर फेंक दिया था। उसके डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है तथा इसमें 3 लोगों को जो है संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिए लाया गया है और इसमें पूछताछ के उपरांत जो है इसमें घटना का शीघ्र अनावरण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
देश में 21 जून के बाद से वैक्सीनेशन अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक दो जगहों पर लापरवाही और धोखाधड़ी की खबरें सामने आई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बार फिर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। मामला ये है कि यहाँ एक युवक को बिना वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट दे दिया गया। को बता दें कि दो दिन पहले ही अंकित अग्रवाल नामक युवक द्वारा वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन युवक अंकित अग्रवाल के पास आज सुबह ही एक SMS आता है जिसमें उनके वैक्सीनेशन कार्ड जनरेट होने की बात सामने आती है। हालांकि ये नया मामला प्राथमिक विद्यालय नगला घनी से सामने आया है। मृदुल कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि काम के प्रेशर की वजह से डाटा ऑपरेटर की ओर से ये मानवीय भूल हो गई, लेकिन आगे से ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ अगर कोई वैक्सीन लगवाने आता है तो सबसे पहले हम उसका कोड मांगते हैं, जब तक वो सिक्योरिटी कोड नहीं देगा तब तक उसका ओपन नहीं होता, और बिना सिक्योरिटी कोड के आपको वैक्सीन लग ही नहीं सकती है। आज की डेट में आपने सिक्योरिटी कोड दिया होगा हमें, तभी हम लोगों ने ओपन की होगी ना। वो तो जनरेट कल हो गया ना, अरे कब हुआ जनरेट हो गया कल, दिखाना भी है कल जनरेट हुआ है। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां आज जाट बहुल गांव पिपीना में जाटों के द्वारा अबू आजमी का विरोध किया गया। युवाओं ने कहा अबू आजमी ने जाट बिरादरी को नीचा दिखाने का काम किया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों का समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। गांव पिपीना में जाट बिरादरी के नौजवानों ने अपना विरोध पुतला फूंक कर किया और कड़े शब्दों में कहा कि ऐसी गंदी मानसिकता के लोग अपनी जुबान पर लगाम रखें, उसके जवाब देने से पीछे जाट युवा पीढ़ी नहीं हटेगी। गंदी मानसिकता वाले अबू आजमी अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। युवा सुमित मालिक ने कहा कि लगता है कि उन्होंने जाटों का इतिहास नहीं पढ़ा, जाटों के द्वारा बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, जाटों का इतिहास आज भी सबके दिल और दिमाग में छाया हुआ है। अबू आजमी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वन विभाग की अगुवाई में आज प्रदेश में पौधारोपण की मेगा ड्राइव कराया गया। अभियान को 100% सफलता के लिए विध्यांचल मंडल मिर्जापुर योगेश्वर राम मिश्र, जिलाधिकारी महोदय आरेखा अखोरी, पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह एवं डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने आज लक्ष्मण पट्टी के ग्राम समाज की एक एकड़ जमीन पर विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे लगाए। जिलाधिकारी ने जगह जगह एकत्रित ग्रामीणों के बीच उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस पौधारोपण कार्यक्रम को 100% सफलता के लिए जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग कराएं। मंडलायुक्त मिर्जापुर योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि पेड़ लगाना प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक नैतिक दायित्व है। जनपद भदोही सांसद रमेश चंद विंद ने कहा कि ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक लोग सक्रिय रहकर पौधारोपण कराएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वृक्ष लगाना जितना संपूर्ण है उससे अधिक सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर जिलाधिकारी आरेखा अखोरी, पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, DFO एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, जहां RTI कार्यकर्ता महेश जयसवाल ने जनपद महाराजगंज के विकास खंड गजमनगंज के सभी ग्राम पंचायतों में DPO महाराजगंज बाल विकास परियोजना अधिकारी की मिलीभगत से बच्चों में वितरित किए जाने वाला पुष्ट आहार जैसे रिफाइंड देसी घी, पाउडर का दूध, चने का दाल, सरसों का तेल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित हेतु सभी केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया था, परंतु वितरण फर्जी एवं मनमाने ढंग से करके गबन करने का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें, जब इस मामले की पड़ताल हमारी टीम द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ब्रह्मनगंज रोजाना बंद पाया जाता है, सिर्फ मुख्य दरवाजा खुला रहता है। इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पुरानी CDPO का स्थानांतरण चलौल ब्लॉक में हो गया है और नई CDPO चार्ज लेने के बाद लगातार केंद्र में अनुपस्थित चल रही है। महेश जसवाल है, मैं RTI कार्यकर्ता हूँ ब्रिजमनगर से। तो सर, आपके पास कोई आंगनबाड़ी से जुड़ा सूचना है? सूचना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग जो है उसे चलाएंगे नहीं,
और जो जिले के DPO हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय, ये जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मैंने इनको एक बार चुनौती भी दिया था कि कोई आंगनबाड़ी केंद्रों में, 5 आंगनबाड़ी केंद्र बता दीजिए जहाँ पे आपका पुष्टाहार लगभग 80% तक बटा हो, लेकिन DPO शैलेंद्र कुमार राय आज तक 1.5 महीने में नहीं बता सके कि 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कौन कौन सी है जहाँ पे 80% पुष्टाहार बटा हो। इनके द्वारा सारे पुष्टाहार सुपरवाइजरों से 500-500 रुपये, आंगनबाड़ी केंद्रों से 500-500 रुपये मुख्य सेविकाएं लेती हैं। यहाँ का बड़े बाबू धर्मेंद्र कुमार आ रही है, वह जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ दाल या जो भी सामग्री लेने आती है 8-8 पैकेट काटता है, और जब वह काटता है तो उसमें DPO साहब का भी हिस्सा है, सुपरवाइजरों का भी हिस्सा है, और सुपरवाइजर 500 नकदी लेती हैं। और मेरे यहाँ इस ब्लॉक में 200 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, लेकिन उस 200 आंगनबाड़ी केंद्रों में DPO महाराजगंज शैलेंद्र कुमार राय जी को मैं चुनौती देता हूँ कि कोई 5 आंगनबाड़ी केंद्र बिजनगंज बता दें जहाँ पे उनके द्वारा 80% पुष्टाहार का वितरण किया गया हो। और यहाँ के किरण जायसवाल जी थी, वो भी चले गए, उनके भी राज में यही था। ये सीता दुबे थी जो सबसे लूट खसोट खराब महिला थी, वो सबसे ज़्यादा यहाँ लूटती थी। नम्रता श्रीवास्तव तो कभी यहाँ आती नहीं है। एक मंजू नाम से हैं सुपरवाइजर, वो अभी कार्य नहीं करती हैं, वो आंड्रेड बेस्ट पर रहती हैं, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र कुमार आर्य उनका फर्जी हस्ताक्षर बना के उपस्थित दिखाते हैं, और उसमें भी बड़े बाबू 5-5 हज़ार रुपया उनसे लेते हैं, तब उनका हाजिरी बनता है, ड्यूटी करने मंजू नहीं आती हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।